बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है मिक्स फ्रूट जैम। क्योंकि आजकल भी ये स्ट्रॉबेरी का मौसम है, सेब भी आ रहे हैं, हर मौसम में मौजूद रहते हैं, अमरूद भी होते हैं, किन्नों का भी मौसम है, दो फलों का मौसम है, और इसके अलावा ये भी मिल जाते हैं। स्ट्रॉबेरी भी बस थोड़े अरसे के लिए आती है, इसे हम सेब भी करके रख लेते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसका मिक्स फ्रूट जैम बनाऊँगी। कोशिश करें कि बराबर मकदार में हो। मैंने ये दो लिए किन्नू लिए और एक सेब लिया, दो ये छोटे छोटे तीन अमरूद हैं और स्ट्रॉबेरी है, 8 से 10 दाने और लीमू जाएगा इसके अंदर, और चीनी शामिल करूँगी। मे भी वो किस तरह शामिल करूँगी, सबसे पहले मैं इसको मैंने धो लिया है, और धोकर मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ कि इसका वेट कितना है। फ्रूट्स को मैंने कट करके तैयार कर लिया है, इसका छिलका उतारा है सेब का भी, और इसे बारीक बारीक पीस काटे हैं, इसका भी छिलका उतारा है, और इसके मैंने सीड सारे निकाल दिए हैं, अंदर जो थोड़ा बहुत रेशा होता है वो भी मैंने निकाल दिया। अमरूद के भी मैंने इसे भी छीला है, और छील कर मैंने इसके भी बीज निकाल दिए और बारीक बारीक मैंने कट कर लिए। अब मैं इसका वेट करूँगी फ्रूट का। अब मैं इसके अंदर ये फ्रूट डालूंगी, इसका वेट होगा। ये इसका जो जितना भी रस निकला है ये भी सारा इसी के अंदर जाएगा, जो रसीले हैं सारे फ्रूट्स और जो खुशक हैं वो भी। आप इसके अंदर आलू बुखारा, लीची, आड़ू, इस तरह के फ्रूट भी डाल के बना सकती हैं मिक्स फ्रूट जो होते हैं। ये देखें तकरीबन ये 500 ग्राम है, ये इसका वेट हुआ है। अब इस हिसाब से मैं चीनी डालूंगी इसके अंदर। 500 ग्राम के अंदर चीनी जाएगी। अगर 1 किलो हो, 3/4 हिस्सा, यानी कि 1 किलो अगर फ्रूट है आपका, छिलके छील के हर चीज़ तैयार करके इस तरह का जिस तरह मैंने नीट करके सारा किया हुआ, 1 किलो हो तो उसके अंदर 700 ग्राम चीनी जाती है। तो ये 500 ग्राम है तो इसका 700 ग्राम का हाफ 350 ग्राम इसके अंदर चीनी जाएगी। ये देखें 350 ग्राम चीनी हो गई, ये हमारा परफेक्ट रहेगा इस तरह मीठा, थोड़ी सी फालतू हो जाए, कम ना हो। अब अगला प्रोसीजर करते हैं। ये एक मैंने पतीला लिया है, इसके अंदर ये मैं सारे फ्रूट्स डालूंगी। और इसका चूल्हा जला दूंगी। और इसके अंदर 1 कप पानी डालूंगी, सिर्फ 1 कप पानी। और ये इसी तरह पकेगा, पहले तेज आंच पे, मीडियम पे, फिर मैं इसे कम कर दूंगी, बिल्कुल स्लो पे आंच पे पकेगा ये 15 मिनट। 15 मिनट में से हमारा सारा फल गलकर तैयार हो जाएगा। ये देखें हल्की आंच पे पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं इसके, काफ़ी हद तक ये सारा फ्रूट मैशी सा हो गया, पक गया है तकरीबन। इस तरह गला होना चाहिए। अगर आप चंकी सोर थोड़ा सा रखना है, इसको थोड़े से ज़र्रे रखने हैं कि फ्रूट नज़र आए, तो आपने इसे इसी तरह की चम्मच ले लेना है, इस तरह जिस तरह मैंने ये डोई ली है लकड़ी की हैवी, तो इसे आप इस तरह दबा कर इसे छोटे छोटे पीस कर लें, और भी छोटे इससे हो जाएंगे। ये अभी इसी तरह पकेगा, 10 मिनट और मैं इसे पकाऊंगी। अभी हमने चीनी नहीं शामिल करनी जब तक हमारा फल नहीं गलता, इसे मैं ढककर 10 मिनट और पकाऊंगी। ये देखें 10 मिनट मैंने इसे और हल्की आंच से पकाया है। बस ये छोटे छोटे पीस हैं, इसी तरह के अच्छे लगते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप हैंड बीटर से भी कर सकती हैं,
आप ग्राइंडर के जग में डाल के उसमें भी आप इसे थोड़ा सा बारीक कर लें, वरना ये इसी तरह, ये देखें बिल्कुल गल गए हैं ये। अब मैं इसके अंदर ये चीनी डालूंगी जो कि 350 ग्राम है। अब मैं इसे पकाती हूँ। आंच को मैं दरमियाना कर दूंगी और इसे इसी तरह पकाऊंगी मैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर है, ऑरेंज का भी और स्ट्रॉबेरी का। ये देखिए इस तरह की कंडीशन होना चाहिए, जब हम चम्मच नीचे गिराएं तो ये देखिए इस तरह गिरना चाहिए इसका कतरा। एक शीट की फॉर्म में गिरता है जब ये पककर तैयार हो जाती है। अब मैं इसके अंदर नींबू का रस डालूंगी। ये देखें झटपट से तैयार होकर, ये देखें झटपट से तैयार हो गया है, इतना टाइम भी नहीं लगा, आधे घंटे में ये जैम बनकर तैयार हो गया है। ये देखें थोड़ी सी तार बनती है फिर गिरता है ये इसका कतरा। ये अभी काफ़ी गाढ़ा है, हमें और भी गाढ़ा हो जाएगा जब ये ठंडा होगा। बस मैं इसी पे इसको इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। ये हमारा मिक्स फ्रूट जैम बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा मिक्स फ्रूट जैम बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना प्यारा कलर है। अब मैं इसे किसी बॉल में निकालती हूँ आपको दिखाने के लिए। आपने ये जैम बनाते वक्त ध्यान करना है कि पहले फ्रूट को धोएं और फिर उसके बाद जो छीलने वाले फ्रूट हैं वो छीलें। आपने स्ट्रॉबेरी तो नहीं छीलनी, इसे वैसे कट करना है। अमरूद को भी आपने छीलना है और सेब को भी और किन्नू को भी छील कर हमने इसके सीड सारे निकाल के छोटे छोटे पीस में हमने सारे फ्रूट को कट कर लेना है। और फिर एक कप पानी डालकर, एक रेशो से 500 ग्राम है तो एक कप पानी डालना है। अगर 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो फ्रूट है तो उसके अंदर हम 2 कप पानी यानी कि 1.5 पाव पानी डालेंगे। एक चाय वाला आम कप, जिसमें हमारे फ्रूट अच्छी तरह गल जाएँ। जब फ्रूट अच्छी तरह गल जाएंगे और इसके अंदर पानी की मकदार कम रह जाएगी, फिर हमने इसके अंदर चीनी शामिल करनी। चीनी की रेशो 3/4 है। अगर आपका 1 किलो है तो उसमें 700 ग्राम जाएगी चीनी। इसी तरह हम हाफ़ करते जाएंगे। अगर बढ़ाना है तो इस तरह हम चीनी भी बढ़ाते जाएंगे और फ्रूट हमारा जैसे बढ़ता जाएगा इसी तरह हमारी चीनी भी बढ़ती जाएगी। तो मेरी ये 500 ग्राम फ्रूट था, मैंने वेट किया आपके सामने और इसके अंदर मैंने 350 ग्राम चीनी डाली है। आप इसे ठंडा करें और इसे फ्रिज में रखें, ये 2 हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा अगर इसके अंदर पानी ना गया, कोई चम्मच गीला ना इसके अंदर डालें। और ये देखें, और इतना सस्ता ये फ्रूट भी इतना सस्ता है आजकल। अब किन्नू भी अभी तक आ रहे हैं और मार्च तक हमारे मुल्क में होते हैं, मार्च अप्रैल तक भी होते हैं। दो थोड़े थोड़े फ्रूट मैंने डाले हैं, 2 किन्नू डाले, 1 सेब डाला, इसी तरह थोड़े थोड़े सारे इकट्ठे करके माशाल्लाह से। ये देखें एक बाउल भर के मैंने ये जैम बनाया। अभी तक ये गर्म है, अभी ठंडा होगा तो मैं इसे किसी एयरटाइट बॉल में जार में डाल के मैं रख दूंगी। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।